तो हम यहाँ पे व्लॉग चालू करते हैं अपना, हमारी गाय माता के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ दीदी को बच्ची मिल गई है, तो बच्ची खिला रही है, मतलब ये न्यू बॉर्न बेबी है, अभी अभी बॉर्न हुई है, तो वो खिलाएगी अभी कुछ समय तक, तो खिलाती रहेंगी दीदी। तो हमारी प्रिय दादी चाय बना रही है चूल्हे में, गैस है बट हम लोग चाय चूल्हे में बनाते हैं, और दादी ही बनाती है क्योंकि दादी के हाथ का चाय। और मेरे गांव की खूबसूरती यानी सन, आप सन का ये देखिए, मैंने सन का थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ तो इसका रेज वगैरह भी आपको देखेंगे, आप यहाँ साइड देख रहे होंगे रेज वगैरह हल्के हल्के से ऊपर है, आपको समझ जा जाएगा। और अभी हम चाय पी रहे हैं, और हाँ एक और नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी सब लोग जो है वो जयपुर का कॉपी कर रहे हैं, मतलब हम लोग पूरे इधर पिंक पिंक कर रहे हैं, मतलब जो सामने वाले हैं ये, और ये आप ऊपर जो देख रहे हो, मतलब ये ऊपर इसे कंडा बोलते हैं, तो जो चूल्हे में जलता है ना वो, इनके पास भी गैस है बट ये काऊ डंग का यूज़ कर लेते हैं, अगर गाय भैंस है तो उसका यूज़ कर ही लेते हैं वो लोग, क्यों फेंके, बेस्ट रहता है। कपड़े हमारे छत में ऑलरेडी है, मतलब हम लोग ने कल के दोपहर के कपड़े नहीं उठाए, तो अभी आप समझ सकते हो क्यों नहीं उठाए, ऐसे ही नहीं उठाए। ठीक है, और आज उठा लेंगे या फिर पता रहा, वो भी वो 2 दिन का है, वो आप शर्ट देख रहे हो ना, वो 2 दिन से वहीं पे पड़ी हुई है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, मतलब मम्मी रहती थी तो अच्छा रहता था, और मम्मी नहीं रहती तो भाई यही सब हम करते रहते हैं। तो ये जो चिड़िया है ना, ये चिड़िया हमारे गाँव में, ये चिड़िया बहुत आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बोलो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इनके लिए रोटी भी रखी है, आप थोड़ा सा इस साइड देखेंगे ना, थोड़ा सा इस साइड, ये देखो यहाँ पे मैंने रोटी भी रखी है तोड़ के, बट ये लोग रोटी मतलब अभी हम लोग हैं तो नहीं खाएंगे, वरना खा लेते हैं ये लोग, ये सब खा लेते हैं। बहुत सारी चिड़िया आती है, सुबह मैं आपको दिखाऊंगा तो देखो आवाज़ भी आ रही है, तो बहुत सारी चिड़िया आती है। मैं कह रहा हूँ ये पक्षी आया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, पानी पी रहा है, तो दादी कितना भी गुस्सा करती है बट पानी इनके लिए रख ही देती है, हमेशा पानी इनके लिए रख देती है। अभी देखो ये पीते, चिड़िया भी पीते हैं पानी, मतलब अलग अलग मुझे देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ मतलब ऐसे एक बैंड है, मतलब डरता ही नहीं है किसी से, ये देखो उड़ गया। और यहाँ पे देखो मैं बोला था, जैसे मैंने बोला था कि चिड़िया आएंगी और खाएंगी, अब देखो चिड़िया आ रही है और खा रही है, मतलब मेरा जो है वो सक्सेसफुल हुआ। देखो दादी, दादी आप देखो, आप कह रही हो नहीं खाते, देखो उधर देखो ना, ये मेरी बुलबुल है, ये बुलबुल, और ये आया इनका कावला, तो अब ये जो हाँ बुलबुल आती है, रोज आती है, अब ये कावला आया, अब कावला भी रोटी खाएगा, चलो मतलब कोई ना कोई खा रहा, अरे नहीं खाया, कहाँ जा रहा है वो। अच्छा हम लोग अगर देखो हम उल्टा देखेंगे ना, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता, ये देखो ये है हमारा येलो बैगन, बहुत दिन से है और इसको हमने तोड़ा नहीं है, येलो बैगन, और मतलब दादी की ये छोटी सी खेती है दादी के लिए, तो और यहाँ पे अभी न्यू बैगन आ रहा है, ये देखो ये न्यू प्यारा प्यारा बैगन, तो दादी पानी नहीं दे रही थी बट अब दादी पानी दे रही है और इसलिए ये बैगन आ रहे हैं मतलब। और ये टमाटर है एक्चुअली में, ये जो है ना ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये टमाटर है, मतलब ये दादी की खेती का एक पार्टी समझ लो, अब ये जब टमाटर बड़े होंगे तो खाने में आएगा, मतलब दादी के पास बुद्धि बहुत है, एक तो दादी ऑर्गेनिक खाएगी और शुद्ध खाएगी। और वहाँ पे देखो पपैया, ये छोटा सा पेड़ हो रहा है, ये पपैया का पेड़ हो रहा है, बड़ा होगा ना दादी, अगर ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो पपैया आएगा उसमें, छत में चली हुआ पेड़, दादी बोल रही है चलेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो छोटे छोटे हैं, इसको ना मतलब जो कोई कोई देखा रहेगा अपने, छोटे छोटे जो ये पक जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ये मधुमक्खी की रानी है, आप देख सकते हो, तो इसके पंख है, और ये मधुमक्खी की रानी ये तुलसी में बैठी हुई है, आई गेस यस, हाँ तुलसी में है बैठी हुई है, तो आप देख सब सही तरीके से दिख रहा है, थोड़े से देखो पंख है, ठीक है, तो ये हमारी दादी की खेती का एक छोटा सा पार्ट समझ लो आप। देखो देखो दादी पानी किससे दे रही है, कटोरी से, वो भी सिर्फ सींच रही है, क्यों दादी ऐसा क्यों, इतना कम पानी काहे दे रहा है दादी, ये मेरी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल बोलो दादी, इंडिया वांट्स टू नो, देखो एक कटोरी में भर के इतना पानी दे रही है, क्यों दादी इतना कम पानी क्यों, सिर्फ सिंचने रहा था दादी का कहना, मतलब भी मैं समझाती थी तो दादी बोलती है जितना वो देंगे उतना मैं उनको दूंगी। Yeah. Oh.